Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले एक महीने में आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे देगी। इस कानून के लागू होने के बाद किराया या मकान मालिक दोनों ही दबंगई पर रोक लगने की उम्मीद है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक अगले एक महीने में कानून को मंजूरी के बाद इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा ताकि राज्य इसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सके। राज्य के द्वारा अगले एक वर्ष में आवश्यक कानून पारित करा लिया जाने की उम्मीद है। सचिव ने यह भी कहा है कि विभिन्न राज्यों में वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं, लेकिन अब हम सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैटों में 60-80% किराए के बाज़ार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने नहीं बिक पाए आवासों को किराए के आवास में भी बदल सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में संशोधन करने से 3 महीने के पहले भूस्वामियों को लिखित में नोटिस देना होगा। इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है।